न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप के हारने के बावजूद भी उनकी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि उन फैसलों का बिडेन के सरकार पे, आने वाली सरकार पे कुछ महत्वपूर्ण असर हो सकता है। इसी बात को लेकर आज हमसे बात करने के लिए न्यूज क्लिक के एडिटर इन चीफ हमारे साथ हैं। प्रवीर, आपका स्वागत है। ऐसे दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिस पे ट्रम्प सरकार फैसले ले रही है और उसका असर हो सकता है आने वाली बाइडेन सरकार की विदेश नीति पर, लेकिन हम आज का डिस्कशन सीमित रखेंगे जो मध्य पूर्व है, जो मिडिल ईस्ट है, वेस्ट एशिया जिसको हम कहते हैं, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों पर या जो स्पेकुलेशन है उससे रिलेटेड। उसमें से जो पहली बात है कि पिछले, जैसे हम सब जानते हैं कि 2018 के बाद से ट्रम्प सरकार ने ईरान के साथ जो समझौता था, न्यूक्लियर समझौता था, उससे अपने को वापस कर लिया था, अमेरिका अलग हो गया था। इसके बाद से कुछ दिनों पहले ऐसा एक स्पेकुलेशन आया कि ट्रम्प चाहते थे कि ईरान पर हमला किया जाए, ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उन पर हमला किया जाए। इस संबंध में जो स्पेकुलेशन है, आप उसका क्या असर हो सकता है बाइडेन सरकार पे अगर ऐसा कुछ होता है तो? एक दूसरा, जो ट्रम्प सरकार जो सैंक्शंस लगातार लगाए चली जा रही है ईरान के ऊपर, उससे उसका अगर बाइडेन ने जो कहा है कि जैसे ही उनकी सरकार बनेगी वो न्यूक्लियर डील में दोबारा से आ जाएंगे, उस पर क्या असर होगा? प्रवीर, आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमले की जो बात हो रही थी वो तो खैर लगता है वो उनके ही जो साथियां हैं उन्होंने कहा कि यह गलत होगा क्योंकि इससे युद्ध की संभावना होगी और आपकी इस वक्त युद्ध में घुसना या अमेरिका को इस युद्ध में डालना इस वक्त ये सही नहीं होगा। तो हकीकत यह है कि अमेरिका में ये जो ट्रांजिशन पीरियड है ये काफी लंबा होता है, दूसरे मुल्कों में इतना नहीं होता है। 10 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 2 दिन, इस तरह का होता है। पर यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, हम जो माल जानकारी है, जनवरी 20 तारीख तक ये लेम डक ट्रम्प सरकार रहेगी। तो इस दौरान वो जो कदम लेंगे वो अमेरिकी सरकार के कदम है, पर युद्ध में जाना और खास तौर से बिना सेनेट, बिना कांग्रेस की परमिशन, उस कोई रेजोल्यूशन के बिना युद्ध में डाल देना, ये उनके एडवाइजर्स ने मेरे ख्याल से लगा कि एक इस तरह की एक लेम डक सरकार जिसे कहते हैं उसको ये नहीं करना चाहिए। तो ट्रम्प की इस कदम को उन्होंने सुझाव जो दिया उसे ट्रम्प उससे हट गए, पीछे हट गए लगता है। पर हकीकत तो ये है कि समझौता ईरान की तरफ से टूटी नहीं थी, इसीलिए बाइडेन जो अभी कह रहा है यह है कि हम वापस तो आएंगे पर उसमें और भी कोई नए चीज डालने की कोशिश करेंगे। ये अगर होता है तो मुझे नहीं लगता कि ईरान इससे सहमत होगा, और अगर सहमत भी होता है, ईरान का मानना यह है कि 4 साल की सरकार है, इसके बाद नई सरकार जो भी आएगी वो फिर समझौता टूट सकती है, तोड़ सकता है। तो इसीलिए अमेरिका के साथ समझौता करने में खास कोई फायदा नहीं नजर आता है, खास तौर से उन्होंने पिछले फैसले जो लिए थे जिसके मुताबिक उन्होंने उनका 97% जो एनरिच्ड यूरेनियम था उन्होंने वो छोड़ दिया था, वो रशिया में भेज दिया था, और उनके जो सेंट्रीफ्यूजेस थे उसका अधिकांश उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, नाकाम कर दिया था। उन्होंने जो रिएक्टर थे उस रिएक्टर्स बना रहे थे उसके बारे में ही उन्होंने उसका जो प्रक्रिया जो थी उसको रोक दिया, वो कुछ मेडिकल रिएक्टर में परिणत कर दिया। तो ये जितने कदम लिए थे एक गुड फेथ में लिए थे कि अमेरिका अपना जो सैंक्शंस है वापस करेगा, अंतर्राष्ट्रीय सैंक्शंस वापस होगा, और एक नॉर्मलसी ईरान में वापस आएगी एक्सटर्नल ट्रेड के लिए। जब ये नहीं हुआ और अमेरिका के सैंक्शन बाइडेन सरकार वापस लेना भी चाहे, कितना दूर तक ये हो पाएगा, सेनेट की जो अभी भी मेजोरिटी रिपब्लिकन पार्टी के पास है और ट्रंप का वहां बोलबाला है, इसको देखते हुए मुझे नहीं लगता ईरान का इसमें कोई खास दिलचस्पी है एक फिर अमेरिका के साथ न्यूक्लियर समझौता दोबारा करे। सवाल ईरान के लिए यह है कि
क्या जो दूसरे देश है जिन्होंने ट्रंप के इस कदम को नहीं माना था, वो क्या ट्रेड रिलेशंस फिर ईरान से बरकरार रख पाएंगे या दोबारा एस्टेब्लिश कर पाएंगे? क्योंकि अमेरिका की सैंक्शंस एकतरफा होने के बावजूद दूसरे देशों पे इसीलिए कारगर होता है क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम जो है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होता है, ये तो स्विफ्ट सिस्टम के जरिए होता है, ये तो बैंक्स के जरिए जो होता है वो भी स्विफ्ट सिस्टम के पार्ट होते हैं, पर बैंक्स के जरिए जो होता है वो बैंक्स पे अमेरिकी सैंक्शन अगर लग जाता है तो उन बैंक्स के लिए कोई कारोबार धंधा चलाना मुश्किल हो जाता है। इसको देखते हुए, इस अमेरिकन सैंक्शंस को इनकार करते हुए भी उन्होंने यूरोपियन नेशंस जो दूसरे मुल्क है उन्होंने इसको माना। सिर्फ रशिया और चीन ने ईरान के साथ उनके संबंध बरकरार रखे और एक तरह से एक से कहते हैं ट्रेड जो होता है बार्टर ट्रेड कि हमने आपको कुछ दिया आपने उसके एवज में कुछ दिया, इस तरह से ट्रेड किया। अमेरिका के स्टेट इंडिया के स्टेट बैंक उन्होंने भी सैंक्शंस के वजह से पीछे हट गए। अमेरिका की दबाव के लिए अब भारतवर्ष भी वहां ईरान से तेल नहीं खरीदता। तो ये जो चीजें हैं इसकी नॉर्मलसी क्या आ पाएगी और बाइडेन सरकार क्या इसको रीएस्टैब्लिश कर पाएगा कि ये हम नहीं करेंगे, हम सैंक्शंस इस तरह से दूसरे देशों पर नहीं लागू करेंगे ताकि ईरान में एक नॉर्मलसी आए। अगर नॉर्मलसी आता है तो ईरान ने कहा है कि वो अपने जो ईरान की जो समझौता थी जिसमें सिर्फ अमेरिका नहीं और भी राष्ट्र थे उनके अगर वो वापस आते हैं और वो नॉर्मलसी रिस्टोर होता है ट्रेड में अमेरिका के अलावा तो वो इस एग्रीमेंट के वो ऑनर करेंगे, इस एग्रीमेंट के साथ वो रहेंगे। पर अगर नहीं होता वो कुछ ट्रेड इसमें अमेरिका को उन्होंने कहा कि हम इसकी आप जो कह रहे हैं गलत है, हम इस समझौते को नहीं तोड़ेंगे, पर इस न तोड़ने के बावजूद कि ट्रेड जब बंद हो गया तो एक हिसाब से उन्होंने अमेरिका के दबाव मान लिया। वो अगर बाइडेन सरकार के साथ मिलके अगर वो चीज एक नॉर्मल सी आती है तो ईरान का कुछ स्टेक होगा इस एग्रीमेंट को कंटिन्यू करने के लिए। अगर नहीं होता तो मेरे ख्याल से ईरान इस एग्रीमेंट को और स्वीकार नहीं करेगा। तो इसीलिए टेंशन जो बना हुआ था इस एग्रीमेंट के पहले तो फिर वापस आने की संभावना मुझे नजर आता है। देखना पड़ेगा दूसरे मुल्क क्या करते हैं, चाहे वो यूरोपियन मुल्क है चाहे भारतवर्ष है, हम क्या करते हैं इस पे बहुत कुछ निर्धारित होगा। इसी से संबंधित एक और मुद्दा है जो ऐसा अंतरराष्ट्रीय मीडिया कहती है कि हुतीस जो है यमन में जो युद्ध चल रहा है पिछले 5-6 सालों से सऊदी अरेबिया अमेरिका के सपोर्ट से जो वहां पे युद्ध कर रहा है उसमें जो हुतीस हैं जिनका आधे से ज्यादा यमन पे अभी नियंत्रण है, कहा जा रहा है कि ट्रंप सरकार वहां पे हुतीस को अंसार अल्लाह जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको आतंकवादी संगठन घोषित करने वाली है, खास करके तब जब इसका भी लोग कह रहे हैं कि ईरान से कुछ इनडायरेक्ट लिंक है। इसका क्या ये निर्णय हो सकता है? अगर ऐसा होगा तो उसका अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर ईरान और अमेरिका संबंधों पे क्या असर हो सकता है? अगर आप देखें तो ट्रंप की जो कोशिश है इस वक्त इस जो इंटरिम पीरियड है जो इसमें लेम डक सरकार होने के बावजूद उनका कोशिश ये है कि जो भी उन्होंने कदम उठा रहे हैं अभी तो वो उससे एक फॉरेन पॉलिसी एक हिसाब से रिटन इन स्टोन हो जाता, पत्थर की लकीर बन जाती है और इसके जरिए बाइडेन के पास जिसे कहते हैं विगल रूम, थोड़ा इधर उधर करने का क्षमता ना हो। तो इसीलिए ईरान एक ध्रुवीकरण का एक चिन्ह है। अब जानते ही हैं कि ओबामा सरकार ने जिसमें बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट थे उसको इन्होंने नेगोशिएट करके समझौता किया था कि ईरान और अमेरिका के बीच में किसी तरह एक नॉर्मलसी हो और वेस्ट एशिया में इस नॉर्मलसी के अगर बरकरार होता है तो वहां पर शांति की वातावरण फैलने की संभावना है। तो वो तो एक तो गया ईरान की बात, अब हुतीस की यमन की जो बात है, यमन पे आप जानते ही है ये सऊदी अरेबिया की लड़ाई थी जब शुरू हुई थी, ये दूसरे देशों की लड़ाई नहीं थी। सऊदी अरेबिया के पास बहुत पैसे हैं क्योंकि तेल बेच के उन्होंने बहुत पैसे कमाए हैं, कमा रहे हैं। तो नेटो शक्तियां, सिर्फ अमेरिका नहीं, नेटो शक्तियां, अमेरिका तो है ही उसमें,
फ्रांस और इंग्लैंड ये भी भरमार वहां पर वेपन्स बेच रहे हैं, हथियार बेच रहे हैं सऊदी अरेबिया को, ताकि उससे पैसा कमा पाए और उनकी इकोनॉमी इस वक्त लगता है कि वेपन्स के अलावा अमेरिका के भी और कुछ बेचने के लिए खास उनके पास है नहीं। तो ये देखते हुए इन्होंने सऊदी अरेबिया को काफी वेपन्स बेचे हैं, यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को भी काफी हथियार बेचे हैं, और ये हथियार हुतीस के खिलाफ यमन में इस्तेमाल हो रहे थे, क्योंकि वहां पर उनके एक पिट्टू, सऊदी अरेबिया की एक पिट्टू सरकार जिसको गिराया गया था, और गिरा के हुतीस ने वहां पर सत्ता पर कब्जा कर लिया था। तो मैं यमन की लड़ाई पे बहुत विस्तृत विवरण पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वहां पे और भी शक्तियां हैं, और वहां पे आप जानते ही हैं ऐसी शक्तियां भी जो आईसिस अलकायदा के बहुत करीब की शक्तियां भी वहां मौजूद है। पर इसके बावजूद कि इन्होंने जो सऊदी अरेबिया के खिलाफ जो संघर्ष चलाए हैं, इस पे हुतीस ही सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाए हैं, और सऊदी अरेबिया अलकायदा आईसिस जैसे फोर्सेस को छुआ नहीं, बल्कि एक समझौता उनके साथ रहा। तो इसमें जो मूल चीज है कि वो पहले से घोषित करते आए कि हुतीस ईरान के साथ है, जबकि इस तरह से कोई संबंध उनके पास थी नहीं। और ये जो कहना है इनका ये भी है कि हुतीस शिया है, पर हुती जो शिया पे विश्वास करते हैं और ईरान की शिया की जो समझ है उसमें काफी फर्क है। तो इसीलिए दो एक चीज कह के वो जो जानते नहीं है इसके बारे में सोच सकते हैं, पर जो इन चीजों को जानते हैं वो जानते हैं कि ये सही नहीं है। ईरान के साथ इस तरह के हुतीस की कोई संबंध पहले थी नहीं, पर इस लड़ाई में ये तो एक जो ध्रुवीकरण वेस्ट एशिया में है उस पर ईरान के खिलाफ सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी है, उसके खिलाफ कुवैत तो खैर पहले से ही है। तो ये सब देखते हुए ईरान और हुतीस के बीच में एक संबंध तो बना है, और ये भी सही है कि ईरान ने उनको टेक्निकी कुछ जानकारी दी है, पर हुतीस लड़ाई बहुत पहले से ही बहुत लोगों के खिलाफ लड़ चुके हैं। वो इजिप्ट के खिलाफ एक वक्त लड़े थे और उस वक्त इजिप्ट भी वहां पर, वहां से उनको पीछे हटना पड़ा था। तो हुतीस लड़ाकू ट्राइब्स मानी जाती है, और उस इलाके में हुतीस की दबदबा मिलिट्री रूप से है, और इसीलिए सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हालांकि बहुत पैसा खर्च किए हैं, बहुत बड़े पैमाने पर बमबारी किए हैं, एक बहुत ह्यूमन ट्रेजेडी एक बहुत बड़ा वहां चल रहा है, करीब 25-30 मिलियन यमनीस पर जिस तरह से दमन हुआ है, उनकी पूरी जो क्या कहते हैं अर्थव्यवस्था ही सिर्फ नहीं, पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर विध्वस्त है, हेल्थ एजुकेशन सब इस वक्त बंद है, और वहां पर यहां तक कि कॉलेरा की महामारी भी वहां फैली है, इसको बरकरार रखा जा रहा है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस की सहारा जो सऊदी अरेबिया को मिल रहा है इससे। और वहां पर फिर उस चीज को एक लग रहा था बीच में कि शायद वो पीस की तरफ जाए, सऊदी अरेबिया जब की जो अरामको फैसिलिटीज पर उन्होंने हमला किया था ड्रोन्स के जरिए, तब लगा था सऊदी अरेबिया इससे पीछे हटना चाहता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स लग रहा था कि शायद ईरान के साथ इस तरह से दुश्मनी कायम नहीं रखना चाहता है, पर लग रहा था कि जो यमन में शांति आ सकती थी वो अब अमेरिका का ख्वाहिश नहीं है, और सऊदी अरेबिया भी खास इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, फिर जंग के तरफ बढ़ रहा है। और इसमें अगर बाइडेन सरकार के आने के पहले ट्रंप ये घोषणा करता है कि हुतीस जो है वो एक टेररिस्ट फोर्स है, तो शायद यमन की लड़ाई को फिर शांति की ओर ले जाना मुश्किल पड़ेगा। और वही मैं जो कह रहा था, ट्रंप का लगता है एक स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी है कि हम बाइडेन को ऐसे दुनिया की स्थिति में छोड़ जाएंगे कि बाइडेन सरकार के लिए करने के लिए खास कुछ रहेगा नहीं, सिर्फ इतना ही उनके लिए रहेगा कि जो हमारा दायरे जो बना दिए हैं उसके अंदर कुछ थोड़ा इधर उधर करे और कुछ खास कर ना पाए। और यही यहूदीज के केस में, ईरान के केस में, दोनों में लगता है एक ही दिशा में ट्रंप सरकार चल रही है। इसी से संबंधित एक और सवाल है, जो पश्चिम एशिया में जो सबसे महत्वपूर्ण जो विवाद है उनमें से एक इसराइल पैलेस्टाइन का मुद्दा भी है। हम
सब जानते हैं कि पिछले 4 सालों में ट्रंप सरकार ने इसराइल के पक्ष में जिस तरह से फैसले लिए हैं उसको लेकर एक बहुत ही गहरा असंतोष है पूरी दुनिया में। बावजूद इसके चुनाव के परिणाम जब आ रहे थे उसी बीच में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो इसराइल जाते हैं और वहां पे जाके दो चीजें बाकी चीजें तो करते ही हैं जैसे नॉर्मलाइजेशन वगैरह, दो चीजें करते हैं, एक इल्लीगल इजरायली सेटलमेंट्स विजिट करते हैं और दूसरा बीडीएस मूवमेंट को जो बायकॉट डाइवेस्टमेंट सैंक्शन मूवमेंट है उस मूवमेंट को एंटी सेमिटिक मूवमेंट करार देते हैं। आपको क्या लगता है कि इस तरह की जो दावपेच है इसराइल पैलेस्टाइन मामले में उसका आने वाले बाइडेन सरकार की विदेश नीति पर और दुनिया की राजनीति पर क्या असर हो सकता है? तो ये जो टू स्टेट सोल्यूशन जो ऑस्लो अकॉर्ड से निकला था वो अब एक हिसाब से मुर्दा हो चुका है क्योंकि पिछले 25 साल हो गए, पिछले 25 साल में ऑस्लो अकॉर्ड्स में इसराइल ने उसको कोई ऑनेस्टी के साथ उसके स्टेप्स लिए नहीं है और हर स्टेप में खासतौर से अमेरिका पर वेस्टर्न यूरोपियन नेटो पावर्स भी उसके साथ दिए हैं। तो यह जो हुआ है इससे जो वेस्ट बैंक जो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है, गाजा भी ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है, यूनाइटेड नेशंस की ये करार है हमारी नहीं, तो उसके मुताबिक तो जो 100% जो वेस्ट बैंक ऑक्यूपाइड टेरिटरीज उसको देखे तो करीब 40% पे डायरेक्टली इजरायली मिलिट्री अथॉरिटीज का पूरा कंट्रोल रहा है ऑस्लो अकॉर्ड के मुताबिक। 20% जो है एक एरिया जो पूरी तरह से इजरायली मिलिट्री कंट्रोल में था उस वक्त, इसके बाद एक एरिया जो था दोनों की ज्वाइंट कंट्रोल था और एक छोटा सा जो एरिया था वो सिर्फ पैलेस्टीन अथॉरिटी के हाथ में पूरी तरह से था। ये ऑस्लो अकॉर्ड का निर्णय था, ये उसका रोड मैप जो था यही था कि ये धीरे धीरे इसराइल इसको पूरी तरह से हैंड ओवर करेगा पैलेस्टाइन अथॉरिटी को और इसमें सिर्फ सवाल जो रह गया था कि जो उनके अंदर जो सेटलमेंट्स बनाए थे वेस्ट बैंक में, जो सेटलमेंट तब बना नहीं था, कुछ छोटे इलाकों में था खासतौर से जेरूसलम के पास कुछ था, उसका क्या परिणाम होगा ये सवाल था। ये पिछले 25 साल में बड़े पैमाने पे वहां सेटलमेंट्स को एक्सपेंड किया गया है इसराइल की मिलिट्री प्रोटेक्शन के जरिए और वहां पर धीरे धीरे जो 60% एरिया था वो करीब करीब पूरी तरह से सेटलमेंट्स और इसराइल के कंट्रोल में रहा है। और जो वेस्ट बैंक की इस वक्त स्थिति यह है कि एक मामूली से इलाका ही उनके हाथ में है और मामूली इलाका भी जो उनके हाथ में है वो टुकड़े टुकड़े है, एक से जुड़े नहीं है। तो जिसके बंतुस्तान कहते हैं कि पूरे इसराइल के अंदर कुछ पॉकेट्स होंगे जहां पर पैलेस्टिनियंस की अरब पॉपुलेशन जो कह सकते हैं, पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन जो कह सकते हैं, जो यहूदी नहीं है उनकी वहां पर मेजॉरिटी होगी पर वो पॉकेट्स कनेक्टेड नहीं है तो एक देश वो नहीं बन सकता है। तो एक हिसाब से टू स्टेट सोल्यूशन बनना इस वक्त संभव नहीं है अगर यही डेमोग्राफी वहां की रही और यही कंट्रोल वहां की रही। सिर्फ इसमें एक क्या कहते हैं एक अपार्थाइड स्टेट ही बन सकता है और कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए ट्रंप को जो पिछले 4 साल की पॉलिसी है इसके बधाई देना पड़ेगा कि उन्होंने टू स्टेट सोल्यूशन को उन्होंने कंप्लीटली नकार दिया और जो रियलिटी ऑन द ग्राउंड है उसको स्वीकार करके ये कह दिया है कि इसराइल एक क्या कहते हैं अपार्थाइड स्टेट है और उसको हम स्वीकार करते हैं। तो ये जो इजरायली अपार्थाइड स्टेट जो है क्योंकि वहां पैलेस्टीनियन का अधिकार नहीं है, पूरी उनका बहुत सारी चीजों में उनके अधिकार नहीं, मूल अधिकार तो ये नहीं है एक जगह से दूसरी जगह जाने की भी अधिकार नहीं है। तो मैं डिटेल्स आज इस पे नहीं जाना चाहता हूं पर मुख्य रूप में
ये पोम्पियो के विजिट और ट्रंप की पिछले 4 साल की जो पॉलिसीज रही है, इसे 2-state solution इस वक्त जो है दफना दिया गया है। ये तो हमें मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के इस सपोर्ट के बाद इसराइल इससे टस से बस नहीं होने वाला है। दूसरी बात है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि 60% इलाका पैलेस्टाइन का, वेस्ट बैंक का, जो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है, वो इसराइल में शामिल की जा सकती है और वहां पर भी पैलेस्टीनियंस को धीरे धीरे वहां से निकाल दिया जाएगा, जो उनका जो प्रक्रिया चल ही रहा है। तीसरी बात है कि उन्होंने ये भी कहा है कि इन सेटलमेंट्स जो है इसको हम सिर्फ इसराइल का अंग ही नहीं मानेंगे, वहां से जो चीजें आएगी उसको भी हम इसराइल से आ रहा है मान लेंगे। तो जो जो मुख्य चीज है जो एक इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक किसी देश को नहीं करना चाहिए, वो सब स्टेप्स लेने के लिए तैयार है। और पोम्पियो जोलन हाइट्स, जो कि सीरिया से उन्होंने कब्जा किया था, उसको भी इसराइल का अंग घोषित कर दिया है। मतलब जंग के जरिए बॉर्डर बदलने की अधिकार उन्होंने इसराइल का मान लिया है और उसके लिए पूरा समर्थन अमेरिका का है। तो मैं समझता हूँ ट्रंप के जाते वक्त उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बाइडेन के लिए एक ऐसी जमीन तैयार किया है जिसपे बाइडेन की अंतर्राष्ट्रीय नीति पे खास कुछ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगा। वो ट्रंप न रहते हुए ही ट्रंप की रास्ते पे उनको चलना पड़ेगा, और यही इन कदमों का उद्देश्य ट्रंप सरकार की है। इसको बेवकूफी नहीं समझना चाहिए। ट्रंप जाते वक्त जितना डैमेज कर सकते हैं वो करके जाएंगे, ताकि उनकी जो नीतियां है वो रहे। और 2024 में कौन आएगा? पोम्पियो आएगा, माइक पेंस आएंगे, और कोई आएगा, तो ट्रंप फिर आएगा। वो देखना पड़ेगा वो क्या होता है। और इसी की फॉरेन पॉलिसी मैं समझता हूँ उसमें जो ट्रंप सरकार ने सेट किया हुआ है उसी रास्ते में कम से कम वेस्ट एशिया में तो चलेगा, दूसरे जगहों पर क्या होता वो देखना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ के। Thank you.